हमने कर रहे हैं वापस अपने काम के लिए। बच गए लैपटॉप, हमारा हो गया सफर चालू। पेट्रोल भरा लेते हैं, मैंने बोला इमिशन टेस्ट भी ले लेते हैं। तो वॉशरूम जा लिए, इतना प्यारा लेक है इधर। हाँ जी, सो वेलकम टू वन मोर टोल। पसीना पसीना हो गया, इतनी हीट है। सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का दिन है 8th of April 2024, आज है मंडे और हमने कर रहे हैं वापस अपने काम के लिए बेंगलोर टू समवेयर। तो हम भूल गए हमारा लैपटॉप घर पे ही। अच्छा हुआ अभी बस यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, अभी जाता हूँ लैपटॉप लेके आता हूँ, बाकी सारा सामान पीछे रख ही लिया है। पहले लैपटॉप लेके आते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल भी कम है एंड धूप भी बहुत जा रहा है, तो टाइम से जाएं टाइम से पहुंचे, यही अपना ही। बच गए अभी जा रहे हैं, जल्दी पहुंचते हैं, लेके आते हैं लैपटॉप। हाँ जी, तो हमने ले लिया लैपटॉप, चले गाड़ी में चलते हैं, मैप मूप लगाते हैं, पेट्रोल भराते हैं और सीधा शाइन करके अपनी जगह पे पहुंचते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, 350 किलोमीटर तो मे भी 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। स्विमिंग पूल रख दिया लैपटॉप। भाई फ्रंट बहुत गर्म है, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ अभी इस पर और फिर निकलता हूँ। ओके लो जी, हमारा हो गया सफर चालू और अभी हम हाईवे पे आ गए हैं, बस अब पेट्रोल भराना है। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ। तो पेट्रोल भराना है, पेट्रोल भराते हैं फिर उसके बाद आगे पेट्रोल भरा लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना है पेट्रोल, हो गया है आधा क्या एंडिंग पे। चलो पेट्रोल भरा के फिर उसके बाद व्लॉगिंग करता हूँ, पेट्रोल भराते टाइम व्लॉगिंग नो व्लॉगिंग डेंजर। हाँ जी फुल टैंक। हाँ जी, तो हमने पेट्रोल भरा लिया, फुल करा ली टंकी, अब बस हमको निकलना है, अब सीधा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिले ना हो और ज़्यादा वेट ना हो। यहाँ पर तो जगह भी नहीं है पलटाने की, भैया क्या करें। मैंने बोला इमिशन टेस्ट भी ले लेते हैं एक बार में, खत्म। हाँ जी, तो हमारा इमिशन टेस्ट भी हो गया, मतलब गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट भी करा लिया हमने, क्योंकि हमारा पुराना वाला एक्सपायर हो गया था 2023-12 में, सो आज करा लिया मैंने। अच्छा हुआ मेरे को आज ही दिख गया यहीं पर पेट्रोल पंप पे, तो 6 महीने का हो गया है, बाकी नेक्स्ट वैसे मैंने 2 ईयर्स का सोचा था कि करा लूँगा, या वन ईयर का होता है, तो इधर अवेलेबल नहीं था वो ऑप्शन, तो मैंने बोला चलो ठीक है जो हो रहा है वो पहले हो जाए उसके बाद देखी जाएगी। नहीं चालू तो है ना। हाँ चालू है। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि चालू ही नहीं है। अब हम टोटली अब स्ट्रेट चलने वाले हैं, कहीं पर वॉशरूम के लिए कहीं पर रुकेंगे, क्योंकि मेरे को लगी है और यहाँ पर बहुत छोटा पेट्रोल पंप था तो बहुत भीड़ हो गई थी, और साइड में बाईपास था जो कंटिन्यूस रन में था, मैंने बोला क्या पार्क करके करूँ, तो कहीं ना कहीं जल्दी पहुँचने की कोशिश है, जल्दी पहुँचते हैं फिर आगे जो भी होता है, जैसा भी रोड होता है क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो अभी टोटली 365 किलोमीटर बता रहा है, बट मैं जब आया था वहाँ से तो 312 किलोमीटर था समथिंग, सो मे बी शायद रूट गूगल ने कुछ और एस्टिमेट किया है,
देखते हैं अभी, कोशिश करेंगे कि अपन आगे से कृष्णागिरी के बाद से जहाँ से भी टर्निंग एंड ऑल है वो सब चेक करके आराम से धीरे धीरे निकलें कि कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, कृष्णागिरी के पास पहुँचने वाला है, वॉशरूम जाना है बहुत जोर से जोर से बोलता हूँ, तो देखते हैं अब वॉशरूम जाने के लिए कहाँ रुकते हैं। चलो टोल गेट के पास आ गए हैं, अब टोल कटाते हैं। ऐसे पता नहीं और कितने टोल हैं, कर ले भाई स्कैन। चलो हो गया स्कैन, वॉशरूम जाए आते हैं कहीं पर रुक के। ओके, वॉशरूम जाने का वो रखा है बट मैं कहीं पर रोक नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को कहीं पर छांव मिली ही नहीं अभी तक, समझ रहे हो? मतलब वो थोड़ा मैंने बोला थोड़ा छांव टाइप हो तो मैं कहीं पर गाड़ी खड़ी कर लूँ, पर अब मेरे को नहीं लगता कहीं पर छांव मिलेगी, तो मैं इधर ही रोक के कहीं पर वॉशरूम जाया आता हूँ। अच्छा वहाँ पर है आगे पब्लिक वॉशरूम है, पब्लिक वॉशरूम में जाया आते हैं नी, देख रहे हो उधर? हाँ उधर पब्लिक वॉशरूम। न्यूट्रल करो भैया, गाड़ी बंद करो। हाँ जी, तो हम तो वॉशरूम जा लिए, गाड़ी को जगह नहीं मिली बस छांव में खड़ी होने की। मैं बताऊं कितनी है, गाड़ी में ही 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, बाहर की कम से कम 40 होगी, एकदम कड़क धूप है। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके हाँ जी, हमने तो चालू कर लिया अपनी जर्नी दोबारा, और अभी टोटल अबाउट 233 किलोमीटर बाकी हैं, 4 घंटे का टाइम दिखा रहा है। रोड फिलहाल अभी तक अच्छा ही मिला है अपन को, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, आगे कैसा होता मैं बताता हूँ। मिनिमल डाइवर्जेंस है वो सबसे अच्छी बात है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे कंटिन्यू रह सकते हो काफ़ी रोड तक, ऐसे रोड अगर और कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जितने ज़्यादा अच्छे रोड होंगे उतने आराम से स्मूथ ड्राइविंग हो जाती है। यहाँ से दिखा रहा है चेन्नई 257 किलोमीटर, लच्ची कहाँ तक पहुँचते हैं अब जो भी होगा अपडेट आगे चल के होगा। कहीं पर खाने के लिए अगर रुकते हैं तो रुकेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे जितने पास पहुंच जाए उसके हिसाब से, है ना? तो 3 बजे तक का टारगेट है, 3 बजे तक अगर कहीं पर पहुंचते हैं तो मतलब और करीब पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी पहुंचते हैं तो 3 बजे के बाद अपन खाना खा लेंगे, ऐसा भी सोचा है मैंने। बाकी व्यू देखो, ठंडियों में ना ये पहाड़ पूरे हरे हरे होते हैं, अभी देखो पूरे ऐसे पत्थर पत्थर जैसे लग रहे हैं, इतनी इतनी धूप है अभी आज का। तो धूप का तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते, अब बस अपना इलाज करते हुए आराम से चलते हैं, जो भी होगा आगे आपको बताते रहेंगे। टिल देन कंटिन्यू रहें, थैंक यू। इतना प्यारा लेक है इधर, अरे गाड़ी चल पड़। पता नहीं कितना दिख पा रहा, नहीं दिख पा रहा, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ ना। कोई कोई सीन ऐसे है, इतने प्यारे प्यारे है ना, मतलब ऐसी जगह मेरे को बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर पहाड़ हो, पेड़ हो, लेक हो। नारियल के झाड़ी झाड़ झाड़ी झाड़ और बीच में रात में जब मैं उस दिन आया था तो ये सब व्यू मेरे को देखने को मिला नहीं था, बट अभी जब मिल रहा है तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला छोटा बहुत वीडियो निकाल लूँ क्योंकि बार बार फेरी ऐसे व्यू से गुजरना कम ही होता है, इसलिए मैंने सोचा इतनी प्यारे व्यूज़ हैं तो ले ही लो, है ना?
टाइम मिला तो ऐसी जगह पे आके टाइम स्पेंड करेंगे और आपको भी दिखाएंगे न्यू व्यूज, नई नई जगह। मैं तो चाहता हूँ, देख रहे हो नारियल के झाड़ के बीचों बीच में तालाब है, ये जगह अच्छी है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सो वेलकम टू वन मोर टोल। एक और टोल पे आना पड़ा है हमको क्रॉस करने के लिए। काजी ये टोल कितना पैसा काटता है, अटेंशन लिखा हुआ है, उसका मतलब है अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसे देना पड़ सकते हैं। डबल समझ रहे हो, मतलब अगर 10 का तो 20, 100 का 200, इसलिए फास्टैग लगा लें। हो सकता है आगे चल के शायद फास्टैग भी बंद हो जाए, जितना किलोमीटर आप चल रहे हो उतना ही आपको हाईवे का टैक्स भरना पड़े। तो अच्छा है, देखते हैं कैसा चलता है, कैसा होता है वो। हाँ जी, तो हम चेक पोस्ट में फंस गए। एक्चुअली हमको राइट से जा सकते थे हम, बट गलती से हमने लेफ्ट ले लिया, अब हमको इसी से जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये है घाट एरिया, यहाँ पर प्रॉपरली बोला गया है कि गो स्लो, धीरे चलें और स्पीड ना चलाएं। 30 किलोमीटर स्पीड की यहाँ पर रेंज दी हुई है ताकि आप आराम से चलें, और प्रॉपरली बनाया हुआ है ना, अच्छा लगा। कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं पूरे, यहाँ वो प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि सेकंड गियर पे चलाएं और स्पीड ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। और देख रहे हो आप रोड कितना इससे बनाए हैं इन लोगों ने, मेरी आवाज़ भी वाइब्रेट हो जा रही है। तो स्पीड यहाँ पर चलाने का कोई मतलब नहीं है, और जो स्पीड चला रहा है उसका तो पता नहीं क्या होगा। जैसे ये अभी बड़ी स्पीड से गया, कुछ लोगों को ना ज़्यादा जल्दी होती है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और लगभग अभी 150 किलोमीटर्स और बाकी है। अच्छी कितना टाइम लगता है और कितनी देर में हम पहुँचते हैं। जैसे भी पहुँचेंगे, जब भी पहुँचेंगे, खाने के लिए रुकेंगे, जहाँ भी रुकेंगे आपको बताते रहेंगे। रोड वैसे अच्छा है, ऐसा मैंने जो देखा, बेंगलोर टू कोयम्बतूर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो रोड ठीक बना हुआ है, इतना मेंटेन रहना चाहिए और ट्रैफिक भी कम ही है तो ईजी टू गो। बाकी चेन्नई जाने के लिए अभी जो रोड है उसमें इतने सारे कट्स हैं, इतने सारे कट्स हैं, कट्स मतलब डाइवर्जेंस दिए, क्योंकि वो लोग रोड बड़ा कर रहे हैं, लिटरली बहुत तकलीफ होती है। सामने का व्यू देखो, यही अगर बारिश या ठंड का मौसम होता ना तो खूब हरियाली दिखती आपको, खूब हरियाली। यार अभी तो जस्टिफिकेशन उतना हो नहीं पाएगा, पर मेरे व्यू से देखोगे तो बहुत अच्छा व्यू है और रोड भी अच्छा मेंटेन्ड है, कोई रोड खराब का टेंशन नहीं है, आप आराम से 100 की स्पीड में चल सकते हो। ये देखो व्यू, रास्ते ना इतने प्यारे हैं। अभी टेम्परेचर आप देखोगे तो टेम्परेचर अभी 39 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, पर एक्चुअली 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और माइलेज अपनी आ रही है 22.5। ओके, ओ प्रभु, पता नहीं ये कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बट सही बोलूं तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है। भगवान करे सब सेट हो और हम ऐसी किसी लोकेशन में एक अच्छा फार्म हाउस बनाए। सपने बड़े हैं यार के। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जल्दी पहुंचना है, भूख भी लग गई है, 2:30 बज गए हैं देखो, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। हमारी नॉर्मल स्पीड अभी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर एंड मोर 80 किलोमीटर टू गो, लेट्स सी
कितने बजे हम पहुंचते हैं। ठीक है जी, तो हम अभी अपुची मैस सेंट बेक में रुके। यहाँ पर हमने सोचा कि खाना खा ले क्योंकि बच गए हैं 3:15 हो रहे हैं और अभी खाना नहीं खाया तो फिर बाद में वीकनेस होती है, ऐसा फील होता है ना अपने शरीर को, क्यों इतनी तकलीफ देनी जब आप टाइम से खाना खा सकते हो। तो मैंने सोचा कि अभी खाना खा लेते हैं, तो अभी हम इधर उतर के खाना खा लेते हैं एंड फ्रेश भी हो लेते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर्स टू गो, लेट्स सी, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। चलो अपना मील्स आने वाला है, अभी अपन खा लेंगे मील्स। चलो चावल भी आ गए, बस अब सांभर और रसम आ जाएगा। तो हमारा खाना हो गया एंड ये गर्मी बहुत है, नहीं पता कितने डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। चलो तो हम चल पड़े अपने रास्ते पे दोबारा, कमिंग ऑन द हाईवे, अब सीधा घर की तरफ। घर की तरफ मतलब काम की तरफ, घर जाके वैसे भी करना क्या है। तो अपना तो सफर दोबारा चालू हो गया, खाना खाने के बाद एक प्लेट मील्स खाया पेट भर के, और अभी निकले हैं, बज रहे हैं 3:30 एग्जैक्ट। तो अपना टाइम से खाना खा लिया है, अब जाते हैं, पहले जो जो काम है वो अगर हो पाते हैं अभी तो करेंगे, फिर तो उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि घर जाने के लिए भी हमको अभी टाइम है। देखते हैं जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, इधर तो रैली लग गई है भाई, पटाखे पटाखे फोड़ रहे, पटाखे पटाखे फोड़ रहे, देख रहे हो राइट साइड में। पूरा कर्फ्यू, ट्रैफिक जाम, हमको भी कहीं और से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं जा पाएंगे। अभी हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ पर भी ट्रक खड़ा रखा है। भैया जान दो, हाँ जी, तो हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे 4 बजे। फिर हमने सोचा कि घर जाके करना क्या है, तो फिर हम जैसे कि हमने सोचा था कि कंटिन्यू अपने काम की तरफ जाएंगे, तो हम काम की तरफ निकले, देखते हैं जाके क्या चल रहा है उधर, और फिर उसके बाद शाम तक फिर घर जाएंगे, है ना, काम देखना जरूरी है जी। द मोर यू वर्क द मोर यू ग्रो, अच्छा था ना। अभी यार अभी गाड़ी वगैरह बंद कर दिए, अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस बाहर का, मतलब यहाँ पर अराउंड 43-44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और धूप अभी बहुत तेज है, 4:30 हो चुके हैं। देखते हैं अपना काम वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको देते हैं। कोशिश है कि 6 बजे तक घर चले जाऊँ, क्योंकि थोड़ा कंटिन्यूस ड्राइव करके आया हूँ ना, खाली खाने के लिए रुका था और वॉशरूम जाने के लिए स्टार्टिंग में रुका था, लेट्स ऑल, फिर उसके बाद कंटिन्यू ही था। तो नियर अबाउट 300 किलोमीटर हमने क्लियर कर लिए, ऐसा है, मज़ा आता है ड्राइविंग में, नहीं। ठीक है, अब कर लेते काम, फिर करते आराम। जिनसे मिलना है उनको टाइम लगेगा आधा घंटा आने को, ठीक है, और मैंने सोचा चलो ठीक है बाहर घूम लेते हैं, थोड़ी देर ऐसे वॉकिंग कर लेते हैं। भाई इतना मुश्किल हुआ ना, पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो गया, इतनी हीट है। मैं लिटरली मैं गाड़ी में आके अभी एसी चालू किया 22 डिग्रीज पे, वो फुल पे, और हवा खा रहा हूँ भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब पूरी टी शर्ट में पसीना पसीना हो गया, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इस गर्मी का कोई इलाज करो, ज़्यादा और पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाओ, बारिश करवाओ, प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हवा खा लेते हैं, फिर हम जैसे ही वो आएंगे हम निकल जाएंगे। ठीक है चलो। प्रभु, एक तो मेरा कैमरा पता नहीं काहे गंदा हो जाता, मैं इतना हाथ में लेके इसको मिस हैंडलिंग करता ना, सॉरी ले, अब सामने से भी ध्यान नहीं देता भाई तू यार, फोन की केयर नहीं है, है ना। हाँ जी, तो हमारी मीटिंग करके भी हो गई है, अभी बज रहे 6:30 और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो अब चले हम घर के लिए,
बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा आपको बता ही दी। टर्न राइट ऑन टू कोंगू मेन रोड। हाँ जी हाँ जी, टर्न राइट टर्न राइट। सो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि शाम तक के लिए एनर्जी मैं बचा के रखना चाहता हूँ और बाकी चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ। तो मैं अभी कंटिन्यू ऑन कोंगू मेन रोड फॉर 1.5 किलोमीटर्स। समझ गए। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो जो भी देख रहे हैं सबको थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।